हाय एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, रेलवे विभाग का सबसे बड़ा लेटेस्ट अपडेट की सीनियर सिटीजन आप करेंगे फ्री में रेल यात्रा, पूरी जानकारी बताऊंगा। लेकिन उससे पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट आते रहता है। तो मैं आपको बता दूं कि सीनियर सिटीजन में और फ्री रेल टिकट हाल ही में मोदी सरकार की ओर से तीसरी कार्यकाल में वरिष्ठ नागरिक को किराए को लेकर एक बेहतर तोहफा दिया जा रहा है। बताया जा रहा है कि हम लोगों को टिकट पर भयंकर छूट दी जाएगी, ताकि लोग आसानी से रेल के माध्यम से लंबी यात्रा भी बिना किसी परेशानी को कर पाए। तो आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि आखिरकार टिकट पर कितने छूट दे जो है मिलने वाली है। तो मैं आपको बता दूं कि सीनियर सिटीजन टिकट कंसेशन में, यदि आपको परिवार में सीनियर सिटीजन है या फिर आप इस कैटेगरी में आते हैं, तो अक्सर आपको सफर करने के लिए किराए में भरपूर छूट दी जाएगी। जैसे कि हम सभी को पता है कि कोविड के दौरान रेलवे में किसी प्रकार की टिकट के खर्च में सीनियर सिटीजन वाले लोगों को नहीं देने पड़ते थे, जबकि इस नियम को कुछ दिन पहले लागू किया गया था, इसे फिर से जो है शुरू कर दिया गया, जिसके तहत अब करोड़ों लोगों को सीनियर सिटीजन के माध्यम से लाभ मिलने वाले हैं। आपको मैं बता दूं कि छूट 4 साल बाद बहाल। खबर के मुताबिक जानकारी सुनाई जा रही है कि किसी सीनियर सिटीजन को रेल किराए पर बम्पर छूट दी जाएगी, ताकि वह आसानी से लंबी यात्रा बिना किसी परेशानी को रेल की सहायता से कर पाए। इस खबर की दावा की जाती है कि लोगों को एसी कोच की बजाय केवल स्लीपर क्लास के लिए ही बहाल करने की चर्चा है। तो मैं आपको बता दूं कि सरकार की ओर से कम आर्थिक बोझ जितने भी लोग को देखने एवं सुनने को मिलती है, ऐसे में उन्हें सीनियर सिटीजन के किराए को छूट देखने को भी मिलेंगी, जो कि आर्थिक रूप से असहाय है एवं उन्हें पैसे को लेकर समस्या देखने को मिलती है। इस प्रकार के लोगों को सरकार की ओर से रेलवे में फ्री ट्रेवल करने की सुविधा जो है शुभ सुविधा प्रदान की गई है। तो ये सरकार का जो है आपको ये अनोखा जो है कंसेशन कैसा लगा, तो मैं आपको बता दूं कि सरकार ने, मोदी सरकार जो तीसरी बार जो कार्यकाल संभाल ली है, और संभालने के बाद ही इतनी बड़ी जो है तोहफा जो है देश के जो है सीनियर सिटीजन यानी कि वरिष्ठ नागरिकों को देने जा रही है। तो ये जानकारी कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसी ही जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय बिहार।